हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है प्रवीण कुमार यादव। मैं आप लोगों को यहाँ पर एमएससी मैथमेटिक्स का टॉपिक अलजेब्रा पढ़ा रहा था। बात करते हैं अपना जो एमएससी का टॉपिक था अलजेब्रा वाला, उस अलजेब्रा वाले में हमने थ्योरम्स पढ़ रहे थे और थ्योरम्स में हम थ्योरम पढ़ रहे थे किसकी, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की। और उसमें हम जो अगली थ्योरम है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम थ्योरम का स्टेटमेंट है अपने पास, लेट जीवन लेट जीवन कोमा जी टू कोमा सोन जी एन बी ग्रुप्स एंड जी इज इक्वल टू जीवन क्रॉस जी टू क्रॉस डॉट क्रॉस जी एन देन फोर फिक्स्ड आई जी आई इज इक्वल टू जी आई इज आइसोमॉर्फिक टू एच आई। और यहाँ पर एच आई क्या है, E1 कोमा E2 कोमा सोन EI-1 कोमा XI कोमा EI+1 EI+1 कोमा सोन EN। और जहाँ पर XI कहाँ से है, GI से है। एंड ई जे जो है अपने पास आर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी जे एंड जी अपॉन जी आई इज आइसोमॉर्फिक टू G1 क्रॉस G2 क्रॉस सोन क्रॉस GI-1 क्रॉस GI+1 क्रॉस सोन क्रॉस GN। ये आपको प्रूव करना है। ये हमारे पास थ्योरम है। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझेंगे, उसके बाद थ्योरम का प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट को समझो पहले। तो अपने पास G1 और G2 अपने पास और GN G1 G2 G3 GN अपने पास N ग्रुप्स दे रखे हैं। एंड इस जी अपने पास एक ऐसा ग्रुप बना रखा है कि G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस GN, मतलब G1 G2 G3 GN का जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा वो है अपने पास जी। ओके, देन फॉर फिक्स आई अपने पास कोई एक आई फिक्स कर दिया हमने, आई इजल टू 1, 2, 3, 4, 5 एन तक कुछ भी एक आई फिक्स कर दिया, जैसे आई इजल टू 10 फिक्स कर दिया हो ऐसे, देन जी आई जो मिलेगा वो एच आई के आइसोमॉर्फिक मिलेगा। जी आई जो है वो एच आई का आइसोमॉर्फिक मिलेगा। और एच आई कैसा टाइप का बना रखा है कि एच आई के अंदर हम बोलेंगे कि एक्स आई नंबर का एलिमेंट तो रहेगा जी आई का, और बाकी सारे क्या रहेंगे, G1, G2, G3, GI-1, GI+1 और GN, इन सभी के आइडेंटिटी एलिमेंट रखे जाएंगे।
मतलब आई नंबर वाला एलिमेंट तो क्या रहेगा, एक्स आई रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट रहेंगे किसके अंदर, एच आई के अंदर। और ये एच आई को हमें क्या दिखाना है, जी आई के आइसोमॉर्फिक दिखाना है, ठीक है, ओके। अगला हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जी अपॉन जी आई जो है वो आइसोमॉर्फिक होना चाहिए किसके, G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस GI माइनस 1 क्रॉस GI प्लस 1 क्रॉस GF, मतलब बीच में से हमने GI हटा दिया है। तो देखो G अपने क्या पास क्या होता है, G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस GN अपॉन में हमने GI किया, तो हम मनी मन में सोचेंगे कि GI से GI कट गया होगा और ये वैल्यू इसके बराबर आई होगी, बीच में GI नहीं है, ठीक है, हमने मन में सोचा है कट गया है, डायरेक्ट नहीं कटता है ऐसे, ओके। तो हमें ये प्रूव करना है कि जी अपॉन जी आई इज आइसोमॉर्फिक टू सभी का क्रॉस प्रोडक्ट, सभी का डायरेक्ट इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, बस बीच में से जी आई हटाना है, समझ गए क्या, ये बात हमें प्रूव करनी पड़ेगी। तो प्रूफ कैसे करते हैं देखना, सबसे पहले हम G1 G2 G3 GN ग्रुप मानेंगे और G इज इक्वल टू वो मानेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि जी आई जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा एच आई के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने पास है, तो प्रूफ करेंगे तो लेट G1, G2, G3, GN आर एन ग्रुप्स एंड G=G1 × G2 × GN इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 × G2 GN, इन सबका क्या है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, ओके। देन वी हैव टू प्रूव दैट GI इज आइसोमॉर्फिक टू HI, और जहां पर HI कौन है, E1, E2, EI-1, XI, EI+1, EN ये अपने पास है, ठीक है, और जहां XI जो होता है वो XI बिलोंग करता है GI के अंदर से, ये अपने पास है GI आइसोमॉर्फिक होना चाहिए HI के, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं बोलूंगा लेट अस डिफाइन ए मैप, एक मैप डिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों को आइसोमॉर्फिक दिखाना है, तो यहाँ से यहाँ तक होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए और 1-2 होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। मैं बोलूँगा लेट अस डिफाइन ए मैप, कैसी मैप, एफ मैप, कहाँ से, GI से लेकर के कहाँ तक, HI तक, GI से HI तक, सच दैट GI का एलिमेंट क्या होता है, कोई भी XI टाइप का एलिमेंट होता है GI का, और वो उसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए, HI के अंदर से बननी चाहिए, और HI के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, I नंबर का तो बनेगा XI और बाकी सारे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये लिखा जाएगा अपने पास E1, E2, EI-1, XI, EI+1, EN ये अपने पास लिखा जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अपने को क्या माननी है, एक मैपिंग माननी है। समझ गए आप, हाँ। अब इस मैपिंग को हमें क्या प्रूव करना है, होमोमॉर्फिज्म दिखाना है पहले तो, फिर 1-1 दिखाना है और फिर 1-2 दिखाना है। तो हम क्या बोल देंगे, होमोमॉर्फिज्म 1-1 और 1-2 से अपने पास बन जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म ही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आइसोमॉर्फिज्म बन गई तो मैं बोलूँगा ये दोनों ग्रुप कैसे बन जाएंगे आइसोमॉर्फिक, तो अपने पास ये कंडीशन बन जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम यहाँ पर फोर होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या बोलेंगे, दो एलिमेंट मानेंगे, लेट एक्स आई एंड वाई आई बिलोंग्स टू जी आई, देन एफ ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई, बताओ वैल्यू क्या बनेगी अपने पास। अगर एफ ऑफ एक्स आई होता
तो हम बोलेंगे ई वन ई टू ई थ्री ई आई और उसके बाद ई एन तक, हमने क्या बोलेंगे ई वन ई टू ई थ्री ई एन या फिर ई वन ई टू, मतलब एक्स आई को छोड़कर बाकी सारे आइडेंटिटी और एक्स आई बीच में लिखा जाएगा। अब अपने पास ये है तो मैं क्या लिखूंगा कि ई वन कोमा ई टू कोमा ई आई माइनस वन कोमा एक्स आई वाई आई कोमा ई आई प्लस वन कोमा सोन ई एन, ये बनेगा क्या? यही बनेगा, ठीक है। अब इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ई वन इंटू ई वन कोमा ई टू इंटू ई टू सो ऑन ई आई माइनस वन इंटू ई आई माइनस वन, और आगे है अपने पास एक्स आई इंटू वाई आई, आगे है ई आई प्लस वन इंटू ई आई प्लस वन और कोमा ई एन इंटू ई एन, ये अपने पास एलिमेंट बनेगा। इसी को अगर मैं पार्टीशन में तोड़ूं तो कैसे तोड़ सकता हूँ, ई वन कोमा सोन ई आई माइनस वन कोमा एक्स आई कोमा ई आई प्लस वन कोमा ई एन, ये बनेगा। और अगला एलिमेंट क्या बनेगा अपने पास, ई वन कोमा ई आई माइनस वन कोमा वाई आई कोमा ई आई प्लस वन कोमा ई एन, ये अपने पास एलिमेंट बने हैं, ये एलिमेंट इंटू ये एलिमेंट। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपके पास ये एलिमेंट बनेगा, क्योंकि पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई वाला आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई प्लस वन वाला आई प्लस वन वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ई एन वाला मतलब एन वाला एन वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स आई लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू तो यही थी। और इस टोटल को मैं क्या लिखता हूँ, एफ ऑफ वाई आई लिख सकता हूँ। तो इधर क्या बना है अपने पास, एफ ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स आई इंटू एफ ऑफ वाई, किसके लिए, फोर ऑल एक्स आई कोमा वाई आई बिलोंग्स टू जी आई के लिए। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन बनती है कि एफ ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स आई इंटू एफ ऑफ वाई आई हर एक एक्स आई और वाई आई के एलिमेंट के लिए, तो मैं बोलूँगा कि ये अपने पास क्या बना है, होमोमोर्फिज्म की कंडीशन बनी है। मैं बोलूँगा दैट इज एफ इज होमोमोर्फिज्म, एफ इज होमोमोर्फिज्म, एफ अपने पास होमोमोर्फिज्म बनी है। जैसे ही होमोमोर्फिज्म बनी है उसके बाद हम बोलेंगे हमें वन वन प्रूव करना है, उसके बाद ऑन टू प्रूव करना है। तो वन वन के लिए मैं लिखूंगा फोर वन वन, फोर वन वन, वन वन के लिए हमें प्रूव करना होता है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट गिवन हैं जिन दोनों एलिमेंट की इमेज सेम है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो दोनों एलिमेंट भी इक्वल हैं, तब तो बनेगा वन वन, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो बनेगा नोट वन वन। तो पहले दो एलिमेंट मानते हैं, लेट एक्स आई एंड वाई आई बिलोंग्स टू जी आई सच दैट, इस प्रकार से एलिमेंट होंगे कि दोनों की इमेज क्या है, इक्वल है, मतलब एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू एंड एफ ऑफ वाई की आई की वैल्यू क्या बनेगी, इक्वल बन रही है। तो एफ ऑफ एक्स आई को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, ई वन कोमा ई टू कोमा ई आई माइनस वन कोमा एक्स आई, एक्स आई कोमा ई आई प्लस वन कोमा सोन ई एन इजिकल टू क्या बनेगा, इधर बनेगा अपने पास ई वन कोमा ई टू कोमा ई आई माइनस वन कोमा वाई आई कोमा ई आई प्लस वन कोमा ई एन, ये अपने पास वैल्यू बनेगी। इसकी वैल्यू तो ये होती है और इसकी वैल्यू होती है ये। अब देखो ऐसे टाइप के एलिमेंट जब आपके पास इक्वल हो रहे हैं, तो इक्वल होने का मतलब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के इक्वल है, सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल है, ये तो है ही, आई माइनस वन वाला आई माइनस वन वाले के इक्वल है, हाँ एक्स आई वाला वाई आई के इक्वल होना चाहिए,
ई आई प्लस वन वाला ई आई प्लस वन के इक्वल होना चाहिए, बाकी तो सारे इक्वल हैं। इसका मतलब है कि अपने पास एक्स आई जो है वो वाई आई के भी इक्वल होना चाहिए। तो हम बोलेंगे यहाँ से कि एक्स आई जो है वो किसके इक्वल है, वो वाई आई के इक्वल है। तो बताओ हमने कंडीशन मानी थी कैसी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू एफ ऑफ वाई आई के इक्वल आती है और तब एक्स आई की वैल्यू वाई आई के बराबर आ जाए, अगर ये दोनों बराबर थे और तब एफ ऑफ एक्स आई और एफ ऑफ वाई आई की वैल्यू अगर बराबर है इक्वल है और उस टाइम पर आपके पास एक्स आई और वाई आई भी दोनों इक्वल बन जाते हैं, इसका मतलब क्या है, दैट इज एफ इज वन वन, एफ इज वन वन, एफ वन वन हो गया है। अब हमें ऑन टू और प्रूव करना है, तो ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करेंगे बोलो, ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें मैपिंग कहाँ है, ये रही मैपिंग, मैपिंग को देखना एक बार, मैपिंग है अपने पास जी आई से लेकर के एच आई तक। तो हम बोलेंगे ऑन टू प्रूव करने के लिए मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट की इमेज, सॉरी प्री इमेज आपके पास डोमेन में जरूर मिलेगी, मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट जरूर बोलेगा जो बोलेगा मेरी इमेज ये वाला एलिमेंट है। क्लियर है, आपको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट लिखे जाएंगे यहाँ पर इतने जितने तो सारे क्या है आइडेंटिटी, ये भी सारे हैं आइडेंटिटी, चेंज कौन हो रहा है एक्स आई, तो बोलूँगा इस हर एक एक्स आई एलिमेंट के लिए अपने पास इधर एक्स आई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हाँ, और ये एक्स आई अपने पास जी आई से होता है, हाँ, सुनो बोलूँगा कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में आपके पास प्री इमेज जरूर मिल रही है, इसका मतलब है कि आपके पास ऑन टू है, बस ये बात लिखने की ज़रूरत है हमें, तो लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट में लिखते हैं फोर ऑन टू, ऑन टू के लिए हमें लैंग्वेज लिखनी होती है, वो क्या है, फॉर एवरी एलिमेंट कहाँ का कोडोमेन का, होते कैसे हैं E1 कोमा E2 कोमा सोन EI माइनस वन कोमा XI कोमा EI प्लस वन कोमा EN belongs to HI कोडोमेन का हर एक एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स आई बिलोंग्स टू जी आई सच दैट एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू क्या बन रहा है अपने पास E1 कोमा E2 कोमा सो ऑन EI माइनस वन कोमा XI कोमा EI प्लस वन कोमा EN ये बन रहा है अपने पास, ठीक है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू वाली कंडीशन बोलते हैं। तो मैं बोलूँगा दैट इज F इज ऑन टू, और जब F ऑन टू बन जाता है तो अपने पास कंडीशन क्या निकल करके आती है, अगर आपके पास F ऑन टू है तो हम क्या लिखेंगे बताओ, F ऑन टू है तो मैं बोलूँगा देन F ऑफ डोमेन कौन है GI इज इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास कोडोमेन, और कोडोमेन क्या है अपने पास HI, यही वैल्यू बनेगी क्या, हाँ, ऑन टू होने की कंडीशन अपने पास यही होती है कि डोमेन की इमेज पूरा क्या बन जाए कोडोमेन बन जाए, डोमेन की इमेज क्या बनेगी पूरा कोडोमेन बन जाएगा। क्लियर है क्या ये बात, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, अपने पास जो गिवन मैपिंग है वो अपने पास होमोमोर्फिज्म हो चुकी है, वन वन हो चुकी है और साथ में हो चुकी है ऑन टू, इसका मतलब क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा हैंस बोलूँगा सो एफ फ्रॉम जी आई टू एच आई इज होमोमोर्फिज्म इज होमोमोर्फिज्म
वन वन एंड ओन टू, एंड ओन टू दैट इज एफ फ्रॉम जी आई टू एच आई इज आइसोमोर्फिज्म. इज आइसोमोर्फिज्म. और आइसोमोर्फिज्म का मतलब क्या है कि अगर जी आई से एच आई तक आइसोमोर्फिज्म है, इसका मतलब है कि जी आई और एच आई दोनों आइसोमोर्फिक होंगे. इसका मतलब है कि जी आई आइसोमोर्फिक टू एच आई होगा. जी आई और एच आई आइसोमोर्फिक होंगे. ये अपने पास प्रूफ हो गया है. ये बात हमें प्रूफ करनी थी कहाँ पर? अपने पास थ्योरम का स्टेटमेंट देख लो आप. यहाँ पर हमें प्रूव करना था कि जी आई और एच आई क्या होंगे? आइसोमोर्फिक. अब हमें ये प्रूव करना है कि जी अपॉन जी आई आइसोमोर्फिक होगा इस पूरे दिए हुए ग्रुप के साथ. तो इसको चेक करते हैं एक बार. इसको भी हमें किस तरीके से चेक करना पड़ेगा? जो डोमेन है उस डोमेन को मानना पड़ेगा, उसके बाद फिर अपने पास जो कोडोमेन है वहाँ तक अपने पास मैपिंग मानेंगे, और उसके बाद फिर क्या प्रूव कर देंगे उसको हम, वो फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से होमोमोर्फिज्म के बाद फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे. उसके बाद वन वन तो अपने को प्रूव करने की जरूरत है नहीं, ओन टू प्रूव कर देंगे. उसके बाद फिर कर्नल एफ की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं. अब हमें ये प्रूव करना है तो मैं लिखूंगा नाउ वी हैव टू प्रूव दैट जी अपॉन जी आई इज आइसोमोर्फिक टू G1 क्रॉस G2 क्रॉस सोन क्रॉस GI माइनस वन क्रॉस GI प्लस वन क्रॉस सोन क्रॉस GN. ये बात हमें प्रूव करनी है, और इस बात को प्रूव करने के लिए हमें एक मैपिंग लेनी पड़ेगी जो कि G से लेकर के और इस पूरे पूरे ग्रुप पर बनेगी. ठीक है, उसको होमोमोर्फिज्म प्रूव कर देंगे. और होमोमोर्फिज्म प्रूव करते ही हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी कि होमोमोर्फिज्म है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म लगा सकते हैं. उसके बाद हम उसको ऑन टू प्रूव कर देंगे. तो धीरे 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 ये वाली कंडीशन हमारे पास प्रूव हो जाएगी. तो सबसे पहले हम लेट अस डिफाइन ए मैप. कौन सी मैप? एफ मैप. कहाँ से? जी से लेकर के और कहाँ तक? G1 क्रॉस G2 क्रॉस सोन क्रॉस GI माइनस वन क्रॉस GI प्लस वन क्रॉस क्रॉस GN. यहाँ तक अपने पास एक मैपिंग डिफाइन करेंगे सच दैट F ऑफ G की वैल्यू क्या है? G अपने पास कैसा होता है? G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस GN होता है. तो हर एक जी आई के अंदर से एलिमेंट कैसे लेते हैं? एक्स आई. तो अपने पास इसके एलिमेंट क्या बनेंगे? x1, x2, xi, आगे भी xn. उसकी इमेज क्या बनेंगी? सारे जी आई आएंगे, बस बीच में से सारे जी बनेंगे, लेकिन बीच में से जी आई नहीं आएगा, मतलब उसका एलिमेंट एक्स आई नहीं आएगा. तो मैं बोलूँगा इसकी इमेज क्या बनेगी अपने पास? इमेज बनेगी x1 भी आएगा, x2 भी आएगा, xi माइनस वन भी आएगा, लेकिन xi नहीं आएगा. उसके बाद xi प्लस वन आएगा, और उसके बाद सारी वैल्यू आएंगी अपने पास xn तक. ये अपने पास मैपिंग बनेगी. इधर अपने पास x1, x2, x3, xi, xn तक, और यहाँ पर बनेगा अपने पास x1, x2, xi माइनस वन तक. उसके बाद xi को हटा देंगे, और उसके बाद xi प्लस वन और उसके xn बनेंगे. क्लियर है? ठीक है. देन अब हम प्रूव करेंगे सबसे पहले होमोमोर्फिज्म. तो बोलूंगा देन फॉर होमोमोर्फिज्म, देन फॉर होमोमोर्फिज्म फॉर होमोमोर्फिज्म होमोमोर्फिज्म के लिए क्या कंडीशन बनेगी अपने पास? मैं बोलूंगा दो एलिमेंट मानता हूं. तो मैं एलिमेंट मानूंगा लेट x1, x2,
सो एक्स आई कोमा एक्स आई यानी एक्स एन एक एलिमेंट के लिए, और दूसरा एलिमेंट मानेंगे वाई वन कोमा वाई टू कोमा वाई आई कोमा वाई एन, ये एलिमेंट मान लिया, दोनों एलिमेंट मान लिए जी के अंदर से। देन एफ ऑफ पहला एलिमेंट एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स आई कोमा एक्स एन इंटू दूसरा एलिमेंट वाई वन कोमा वाई टू कोमा वाई आई कोमा वाई एन, ये एलिमेंट अपने पास। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, अपने पास दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एफ ऑफ अंदर वैल्यू बनेगी एक्स वन वाई वन कोमा सोन एक्स आई वाई आई कोमा एक्स एन वाई एन, ये अपने पास वैल्यू बनेगी। और इनकी इमेज क्या होती है, इमेज हम जानते हैं अच्छे से, अभी अभी हमने पढ़ी है। इमेज क्या बनेगी, बीच में से एक्स आई वाई आई हट जाएगा, बाकी सारी वैल्यू लिखी जाएंगी, तो क्या बना देगा एक्स वन वाई वन कोमा सोन एक्स आई माइनस वन वाई आई माइनस वन कोमा एक्स आई प्लस वन वाई आई प्लस वन कोमा उसके बाद एक्स एन वाई एन, ये वैल्यू बनेगी क्या। इनको अगर मैं अलग अलग करने की कोशिश करूँ तो कैसे लिख सकता हूँ बताओ, इनको मैं लिख सकता हूँ एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स आई माइनस वन कोमा एक्स आई प्लस वन कोमा एक्स एन, मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू क्या बनेगी वाई वन कोमा वाई टू कोमा वाई आई माइनस वन कोमा वाई आई प्लस वन कोमा और वाई एन, ये अपने पास वैल्यू बनेगी। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ इसको क्या बना दूंगा मैं, ये क्या है एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्सएन एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स आई कोमा एक्स एन, ये है अपने पास एफ, ये इनटू ये क्या बनेगा एफ ऑफ वाई वन कोमा वाई टू कोमा वाई आई कोमा वाई एन, ये अपने पास वैल्यू बनेगी। और ये किसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू बनी है अपने पास, मतलब एफ ऑफ ए इंटू बी इजकल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन। तो मैं बोलूँगा दैट इज एफ फ्रॉम लिख देते हैं दैट इज एफ इज होमोमॉर्फिज्म एफ होमोमोर्फिज्म हो गया है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा देन बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म देन बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म कंडीशन क्या बनेगी अपने पास, डोमेन क्या है अपने पास जी अपॉन कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमोर्फिक टू डोमेन की इमेज एफ ऑफ जी, ये अपने पास होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, पीछे कितना आया है इक्वेशन नंबर, कुछ आया है क्या, इधर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, पीछे कोई इक्वेशन नहीं है अपने पास, तो इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे 4 ऑन टू के लिए देखना, इधर जो अपने पास मैपिंग मानी है हमने, मैपिंग देखो अपने पास ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी अपने पास कोडोमेन के एलिमेंट उन सब के लिए प्रीमेज होनी चाहिए, तो कोडोमेन के एलिमेंट क्या है एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स आई माइनस वन कोमा एक्स आई प्लस वन कोमा एक्स एन, उनके लिए अपने पास प्रीमेज एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री कोमा एक्स एन है कि नहीं है, है हर एक एलिमेंट के लिए, हाँ हर एक एलिमेंट के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा ऑन टू, इसका मतलब
बस आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। लूँगा फोर ऑन टू, क्या लिखूँगा, फोर एवरी